बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज ही हमारी क्लास गुज़श्ता तरतीब के अतबार से 92 नंबर क्लास है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरत सबा से शुरू करेंगे, जो कि कुरान मजीद में 34 नंबर सूरत है। 22 पारे में, 22वें सिपारे में और 34 नंबर सूरत है। आज इससे शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरत मक्की सूरत है। कुरान मजीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना से पहले नाजिल होने वाली सूरतों में से है और ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है। कुरान मजीद में 5 सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। सूरत फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यह सूरत अनआम है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। यह सूरत कहफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली। यह सूरत सबा है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली। यह सूरत फातिर है जो इसके बाद आ रही है। ये 5 सूरतें हैं जो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, जिनमें से एक ये सूरत सबा भी है। इस सूरत का नाम सबा किस मुनासबत से है, इसके अंदर एक वाक़या ज़िक्र किया गया है कौम सबा का। कौम सबा ये एक यमन के इलाक़े में आबाद थी, जो इस वक्त भी यमन के अंदर माआरिब का शहर है, उसके करीब करीब ये कौम आबाद थी। जो इस कौम का ज़माना है, ये ज़माना इंतहाई तमद्दुन का ज़माना है, इंतहाई खुशगवारी का ज़माना है कि ये कौम जब आबाद थी तो गोया के एक बहुत बड़ा मरकज़ था, तिजारती मरकज़ था। अगर आप दुनिया के नक्शे पर गौर करें तो एक तरफ यूरोप है और यूरोप से जब इधर मशरक़ की तरफ या इधर जनूब की तरफ आते थे तो पहला मरकज़ आके बनता था फ़लस्तीन में, मेडिटेरियन के पास, उधर आके रुकते हैं लोग। और उससे आगे वहाँ फ़लस्तीन से लेके यमन तक जो है ये एक शाहरा थी, जिसमें साइडों पे लोग जो है वो आबादियाँ थीं और आगे आके यमन में ये कौम सबा, ये एक तिजारती मरकज़ था। और अरब के बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं अरबों की। एक है वो अरब जो कि अरब बाइदा कहलाते हैं, जो कौमें ख़त्म हो गईं, जो अरब कौमें थीं और वो ख़त्म हो गईं। वो है जैसे कौम आद है, कौम समूद है, ख़त्म हो गई अल्लाह ताला के अज़ाब। और एक है असल अरब, जिन्हें अरब आरिबा बोला जाता है। इनकी निस्बत है असल में कहतान की तरफ। ये एक बड़ा शख्स गुज़रा है, उसका बेटा था यारब बिन कहतान। यारब बिन कहतान की तरफ निस्बत है इस पूरे के पूरे अरब की, यारब की तरफ। और ये जो सबा है, ये इस इलाक़े का नाम था या यहाँ के किसी बड़े का नाम था। तो मौर्रिखीन ज़्यादा इस तरफ गए हैं कि ये सबा जो है, सीन बा और हमज़ा सबा, ये असल में इनमें से किसी बड़े का नाम, इनके बाप का नाम था जिसकी तरफ निस्बत है। और बाज़ लोगों ने इस बाप को ज़िक्र भी किया है कि ये सबा बिन यशजब था और यशजब जो है ये यारब बिन कहतान का जो है बेटा था। दूसरी तरफ ये जो कहतानी हैं, कहतान यारब के, इनके कबीलों में से एक कबीला जुरहम था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा में छोड़ा था, तो उस वक़्त जुरहम कबीला वहाँ से गुज़र रहा था जो कि तिजारती सफ़र में शाम की तरफ जा रहे थे या शाम की तरफ से आ रहे थे, और इसी इलाके यमन में उन्होंने आना था जो कि कौम सबा के आगे से जो है वो कबीले बने थे। वहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब पानी निकाला तो वहाँ पे कबीला जुरहम ने जब पानी देखा तो वो वहीं पे आबाद हो गए थे। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी कबीला जुरहम की औरत के साथ हुई थी, और वहाँ से फिर तीसरे अरब की किस्म शुरू हुई जिन्हें अरब अलमुस्तहरिबा कहा जाता, यानी वो अरब जो असल में बाहर से आए थे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पीछे बाबल शहर से चलते हुए फ़लस्तीन में आए थे, और फ़लस्तीन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ मक्का मुकरमा में छोड़ गए थे। और ये अरब जो असल अरब है ये पीछे कौम सबा, और कौम सबा का पीछे ताल्लुक़ है सबा बिन यशजब, और यशजब जो है वो बेटा है यारब बिन कहतान। तो ये जो कहतान है उसका बेटा कहतानी भी मारूफ़ हैं। यारब से पूरा अरब जो है वो निकला हुआ है, यारब से यारब जो है उससे आगे कबीला जुरहम भी निकला, दूसरे भी बहुत सारे कबाइल निकले, और उस कबीला जुरहम से आगे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि अदनानी भी कहलाते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनसे आगे कबीला जुरहम से आगे वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में अदनान भी गिना जाता है। तो ये सारी की सारी आगे नस्ब जो कि अरब इस वक्त ज़्यादा कुरैश और ये सारे के सारे बने, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हैं, और ये अरब मुस्तहरिबा कहलाता। तो बुनियादी तौर पे अरब तीन किस्मों में डिवाइडेड है, अरब अलबाइदा और अरब अलआरिबा और अरब अलमुस्तहरिबा। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी आगे औलाद में अदनान और आगे जितने कबीले चले हैं ये अदनानी कहलाते हैं, और जो कबीला यमन और उस तरफ हैं वो कहतानी कहलाते हैं, और अरब अलबाइदा जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, जैसे कौम आद है, कौम समूद है, ये भी बुनियादी तौर पे पीछे अरब से। तो ये कौम सबा, असल बात चली थी सबा, ये यमन में थे, तो बहुत ही अल्लाह ताला ने इन्हें नेमतों से नवाजा था। और उस वक़्त ये लाइन और पट्टी जो फ़लस्तीन से लेके यमन तक जाती है, जिसके रास्ते में जो है ये मक्का मुकरमा का इलाक़ा आता है, जिसमें यसरिब का इलाक़ा आता है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है 7-7 बस्तियां बनी हुई थी करीब करीब। लोगों के लिए सफ़र करना इतना आसान था कौम सबा के दौर में कि कभी कोई इंसान अपने साथ ज़्यादा राह नहीं लेके जाता था, यानी अपने साथ कोई सफ़र करना है तो पानी उठा लो, खाना ले जाओ। अब अगर इंसान ने किसी सहरा में से गुज़रना हो और उसने सफ़र करना हो तो अपने साथ कुछ चीज़ें उठाएगा कि मैंने रास्ते में खाना क्या है, मैंने पानी पीना कहाँ से है। लेकिन अगर उसे पता हो कि रास्ते में जगह जगह पे बस्तियाँ हैं तो इंसान बेफिक्र होकर सफ़र करता है। तो कौम सबा के अंदर बहुत बड़ा डैम बनाया हुआ था, उसके ज़रिए बागात चलते थे, और आगे से आगे बस्तियां रास्ते में बनी हुई थीं। ये वाक़यात मिलाद से पहले के हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के हैं। कौम सबा इस दौर में थी, वो कौम उस दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी मलका सबा थी, इसका वाक़या जो है वो पीछे सूरत नमल में गुज़र चुका है। और उसके बाद आके ये कौम और तमद्दुन में आई, और फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की बुनियाद पे इस कौम को तबाह किया गया। तो इस कौम के वाक़यात की तरफ थोड़ा सा इशारा मौजूद है इस सूरत में, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत सबा है। सूरत का आगाज़ करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, वो अल्लाह लहू ये इलाम मलकियत का है जो मालिक है ज़मीन व आसमान का। अल्हम्दुलिल्लाह में हमद एक सिफत है। हमद जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, एक सिफत है। तो इसके बाद जो लाम आ रहा है लिल्लाही में, इसको हम लाम इस्तिहक़ा कहते हैं। ये तारीफ़ें का तमाम तारीफ़ों का हक़दार है, हक़दार है वो अल्लाह। अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, और लहू में जो है वो लाम जो है ये लाम लामे मलकियत है कि वो ज़ात जो मालिक है उस तमाम चीज़ों की जो आसमानों में है और ज़मीन में है। वलहुल हम्दु फिल आखिरा, और यहाँ पे वलहुल हम्दु में लामे इख्तिसास का है कि ख़ास तारीफ़ उसी के लिए होगी आखरत में। वहुवल हकीमुल ख़बीर, और वो ही बड़ी हिकमत वाला और ख़बर रखने वाला है। अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, वो अल्लाह जो मालिक है उन तमाम चीज़ों का जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वलहुल हम्द फ़िल आखिरा, और आखरत में किसी और के लिए नहीं, खालिस उसी के लिए तारीफ़ होगी। वहुवल हकीमुल ख़बीर, और वही हकीम है और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। एक ही आयत में लाम 3 दफ़ा आके मुख्तलिफ मानी दे रहा है। ये कुरान मजीद के एजाज़ की बहुत बड़ी दलील है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब मुअज्जज़ है और किसी और की तरफ से नासिल नहीं। वो अल्लाह यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिनहा, वो अल्लाह पूरी तरह जानता है। मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि, इस ज़मीन में जो कुछ उसके अंदर जाता है, यली जो दाखिल होता है, जो ज़मीन के अंदर जाए, पानी है, ख़जाना है, उसके अंदर जो कुछ भी ज़मीन के अंदर जाता है वो अल्लाह उसे खूब जानता है। छोटे छोटे पानी के क़तरात और ज़र्रात को भी अल्लाह ताला जानता है। वमा यख़रुजु मिन्हा, और जो उस ज़मीन से निकलता है, ज़मीन से जो कुछ पौधे उगते हैं, जो और चीज़ें कोई मादनियात निकलती हैं, वो अल्लाह उन तमाम चीज़ों को पूरी तरह जानता है। वमा यंजिलु मिनस समा, और जो कुछ आसमान से नाज़िल होता है, बारिश की सूरत में, हवाओं की सूरत में, जो कुछ है अल्लाह ताला उसे पूरी तरह जानता है। वमा यअरुजु फ़ीहा, और जो आसमान की तरफ चढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला की तरफ ले जाने वाले बंदों के पैगामात हैं, जो कुछ ऊपर जाता है, इस सब कुछ को अल्लाह ताला जानता है। वहुवा रहीमुल गफूर, और वही है, वहुवा और वही है रहीमुल गफूर। यानी गफूर और रहीम तो बहुत आता है कुरान मजीद में नकेरा बन के, लेकिन यहाँ अर रहीम और अल गफूर आया है जिसका माना है ख़ास, सबसे बड़ा रहम करने वाला भी वो है और सबसे बड़ा मुआफ़ करने वाला भी वो है। यानी गोया कि इस आयत में अल्लाह ताला की उस कमाल कुदरत को, अब हालांकि यहाँ होना ये चाहिए था, हमेशा गफ़ूर और रहीम वहाँ पे आता है जहाँ पे पीछे अल्लाह ताला ने किसी गुनाह से मना किया हो और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह गफ़ूर और रहीम, इस बुनियाद पे कि अगर किसी से गलती से ये गुनाह हो जाए तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन इस आयत में अल्लाह अपनी कुदरत को बयान कर रहा है। वो अल्लाह वो है जो ज़मीन व आसमान सब कुछ को पूरी तरह जानता है, और फिर वही गफ़ूर और रहीम है हसर के साथ। यानी जब खबर जो है उसको मारिफा किया जाता है तो उसका फ़ायदा हसर होता है। हसर का माना ख़ास, सिर्फ। वहुवर रहीमुल गफ़ूर, गोया कि अल्लाह ताला ये बता रहा है कि अल्लाह की ज़ात जब ज़मीन व आसमान को पूरी तरह जानता है, जो ज़मीन में, जो ज़मीन से बाहर, जो आसमान से आता है, जो आसमान पे जाता है, अल्लाह ताला इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कुदरत वाला है। तो वो अल्लाह जो इतना बड़ा है और वही गफूर रहीम भी है। अल्लाह जितनी अपनी कुदरत में, अपनी अल्लाह ताला अपनी मार्फत में बड़ा है, उतना ही अल्लाह ताला गफूर रहीम भी है। जब अल्लाह की ज़ात ये है तो काफिर इसको मानने के बजाय ये कहते हैं वक़ाल लदीन कफ़रू, और काफिर कहते हैं ला तअतीना अस्साअ, क़यामत नहीं आएगी। और काफिर कहते हैं ला तअतीना अस्साअ, कुल आप फरमा दीजिए भला क्यों नहीं, व रब्बी, और मेरे रब की कसम है, ताकीद भी और रब की कसम भी, ला तअतियन्नकुम, लाज़मी यकीनन, पक्की बात है कि वो क़यामत की घड़ी आके रहेगी। आलिमुल गैब, वो अल्लाह जो आलिमुल गैब है, ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन इस समावाती वला फिल अर्ज़, वो आलिमुल गैब है, उस अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा, ला यअज़ुबु, नहीं पोशीदा होती, अन्हु, उससे, मिस्काल, बराबर, ज़र्रतिन, एक ज़र्रे के बराबर भी, फिस समा, कोई चीज़ आसमान में या ज़मीन में। अल्लाह ताला ने कुल बला व रब्बी कह दीजिए क्यों नहीं, यानी काफिर कहते हैं ना क़यामत नहीं आएगी, उसके जवाब में फरमाया बला क्यों नहीं, व रब्बी, और वो रब की कसम है। व रब्बी, वाव जो है ना अरबी में कसम के लिए भी आता है। अब लतातियन्नकुम, ये दरमियान में जो है इस कसम के आगे जो है वो जिस पे कसम खाई गई है कि लाजमी आएगी, और ये जो आलिमुल गैब है ये इसका ताल्लुक रब से है कि कसम है उस रब की जो आलिमुल गैब है, जिससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं होती, एक ज़र्रे के बराबर भी आसमानों में और ज़मीन में। उस रब की कसम है कि लतअतियन्नकुम, वो क़यामत, वो अस्साअ लाजमी आके रहेगी। वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबि मुबीन, उस ज़र्रा से ना ही कोई छोटी चीज़ और ना ही कोई बड़ी चीज़ है, मगर इल्ला फ़ी किताब मुबीन, मगर वो एक वाज़े किताब में तहरीर शुदा है, एक वो किताब जो अल्लाह ताला के पास किताब मुबीन, जो लौहे महफूज है, अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ दर्ज है। हत्ता कि अगर ये इंसान जानना चाहे कि ज़मीन पे मट्टी के ज़र्रात कितने हैं, अगर आप एक हाथ में मट्टी उठा लें या रेत उठा लें और उसके एक एक ज़र्रे को गिनना शुरू कर दें तो कोई नहीं गिन सकता। अगर कहा जाए ज़मीन के अंदर मट्टी के ज़र्रात को गिन दो, पानी के क़तरात को गिन दो, फरमाया वला असग़र मिन ज़ालिक, उस ज़र्रे से छोटी चीज़, वला अकबर मिन ज़ालिक, और ना उससे कोई बड़ी चीज़ ऐसी है, मगर अल्लाह के पास वो किताब मुबीन लौहे महफूज में दर्ज है। गोया अल्लाह को ये पता है ज़मीन के कितने ज़र्रात हैं, रेत के कितने ज़र्रात हैं, समुंदर के पानी के कितने क़तरात हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला पूरी तरह इल्म रखता है। जो अल्लाह ये कर सकता है वो क़यामत को भी ज़रूर लेके आएगा। और क़यामत क्यों आएगी, इसलिए वजह क्या है, फरमाया लियज्ज़ियल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात, लियज्ज़ियल्लज़ीन, ताकि बदला दिया जाए, बदला दिया जाए उन लोगों को जो ईमान ले आए, वअमिलुस सालिहात, और नेक अमाल करते रहे। अल्लाह ताला जानता है, कर सकता है सब कुछ। क़यामत इसलिए आएगी। अब लियज्ज़ियकुम की तालील इल्लत है पीछे वाली आयत में, लतअतियन्नकुम, वो ज़रूर क़यामत आएगी। क्यों आएगी, लियज्ज़ियल्लज़ीन, ताकि बदला दिया जाए ईमान वालों को और नेक आमाल करने वालों को। उलाइका लहुम, यकीनन, यानी उलाइका यही है वो लोग कि लहुम, इनके लिए है मग़फ़िरत और बहुत ही इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अल्लाह ताला ने इनके लिए तैयार कर रखा है। क़यामत इसलिए कायम होनी है, ताकि क्या हो कि नेक लोगों को उनकी नेकी का सिला दिया जाए। क़यामत कायम होगी तो मुजरम को उसके जुर्म की सज़ा मिलेगी, नेक आमाल करने वालों को उनके नेक आमाल का जो है वो बदला दिया जाएगा। और अगली आयत में फरमा दिया वल्लज़ीना, और वो लोग साउ फी आयातिना, सायुन का मन होता है कोशिश करना, यानी कोशिश करते हैं इस बात की, फी आयातिना हमारी आयात में, वल्लज़ीना साउ फी आयातिना माजिज़ीना कि हमारी आयात में उसको आजिज यानी मुअजिज और नीचा करने की कोशिश करते हैं जो लोग, उलाइका लहुम अज़ाबुन, इन्हीं लोगों के लिए अज़ाब है, मिन रिज्जिन अलीम, बदतरीन और बुरी किस्म के अज़ाब से। रिज्जिन का माना भी अज़ाब है कि उनके लिए अज़ाब है बड़े दर्दनाक किस्म के अज़ाब में से। वो अल्लाह जो इतना बड़ा है उसने क़यामत को लेके आना है ताकि अच्छे लोगों को अच्छाई का बदला दिया जाए और बुरे लोगों को उनकी बुराई का बदला दिया जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसे अल्लाह ताला इस बात पे हक़ पे है तो अल्लाह ताला के कुछ ऐसे नेक बंदे भी हैं जो इस बात को जानते भी हैं, और अगर कुछ लोग इसमें बुराई में कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे भी हैं। फरमाया वयरा लज़ीना ऊतुल इल्म लज़ी उनज़िल इलैका मिन रब्बिक, वयरा, और जानते हैं वो लोग, यहाँ यरा का माना है दिल से देखना यानी जानना, और जानते हैं वो लोग ऊतुल इल्म जो इल्म दिए गए हैं, लज़ी उनज़िल इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़, अहले इल्म जानते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया जा रहा है मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, हुवल हक़, वही हक़ है जो आपकी तरफ नाज़िल किया जा रहा है, वयहदी, और वो रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है, इला सिरातिल अज़ीज़ और हमीद, गालिब और तारीफ़ वाली वो ज़ात, उसका जो सिरात और रास्ता है उसकी तरफ जो है वो उसको दिखाता है, वो किताब, वो चीज़ जो नाजिल की जा रही है आपकी तरफ। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, और काफिर ये कहते हैं आपस में एक दूसरे को, कहते हैं हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन युनब्बिउकुम, आओ हम तुम्हें बताएं, हल का मैंने वैसे माना है क्या, क्या हम तुम्हें बताएं अला रजुलिन, एक ऐसे आदमी के बारे में, युनब्बिउकुम जो तुम्हें ख़बर देता है, इदा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़, जब तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, ज़र्रा ज़र्रा, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। मज़्ज़क़ युमज़्ज़िक़ु, तमज़ीक़ वैसे बोला जाता है कि किसी कागज़ को फाड़ फाड़ के टुकड़े कर देना। मज़्ज़क़ल वरक़, मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, तुम जो है मरने के बाद मट्टी में जो है वो बिल्कुल जो है वो मट्टी की तरह रेत हो जाओगे, मट्टी की तरह गल सड़ जाओगे। एक आदमी आके बता रहा है कि फिर तुम्हें उठाया जाएगा और तुम्हें इन्नकुम लफ़ी खल्क़िन जदीद, फिर तुम्हें एक नई पैदाइश, एक नई खलकत दी जाएगी क़यामत के दिन। काफिर ये कहते हैं, फरमाया ये काफिरों का कहना, ये उनकी बात करना, अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और आगे वो ये भी कहते हैं, सिर्फ यहाँ पे किफ़ायत नहीं करते, और ये अपनी तरह से काफिर कहते हैं अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, वो काफिर ये कहते हैं कि इस बंदे ने अल्लाह पर बुहतान बांधा है, यानी अल्लाह पे झूठ निस्बत की है, अम बिही जिन्ना, या इसको कोई जुनून है, यानी बजाय इस बात को मानने के लिए वो काफिर ये कहते हैं कि आओ हम तुम्हें एक बंदे का बताएं कि जब तुम मट्टी में रेज़ा रेज़ा और ज़र्रा ज़र्रा हो जाओगे तो तुम्हें दोबारा एक नई पैदाइश दी जाएगी। वो अल्लाह पे तो बहतान लगा रहा है, या उसके अंदर कोई जुनून तो नहीं पाया जा रहा। फरमाया नहीं, बलिल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरा, बल्कि असल ये है कि जो लोग इस आखरत के दिन पे यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं लाते, फिल अज़ाब, ये लोग अज़ाब में जाएंगे, वज़्ज़लालिल बईद, और दूर की गुमराही में हैं, बड़ी गुमराही में पड़े हुए हैं। क्या ये जानते नहीं है, अफलम यरो, क्या ये देखते नहीं है, इला मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फाहुम मिन अस्समाइ वल अर्द। क्या ये ज़रा अपने इर्द गिर्द पे अल्लाह की कुदरत को देख नहीं रहे, अल्लाह की निशानियों को देख नहीं रहे? अफलम यरौ इला मा बैना ऐदीहिम, अपने सामने, व मा खल्फाहुम, अपने पीछे, मिन अस्समाइ वल अर्द, आसमान से ज़मीन से, इन नशा नखसिफ बिहिमुल अर्द, हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा सकते हैं, तो ये अपने आप को बचा सकते हैं। औ नुस्क़ित अलैहिम किसफ़म मिनस समा, या आसमान से हम इन पे ऊपर जो है वो टुकड़े गिरा दें, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से गिरा दे। इनके पास कोई रुकने की, कोई अपने आप को महफूज करने का कोई चीज़ है नहीं। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, फरमाया इस सब कुछ में निशानियाँ हैं। ये जो बताया जा रहा है, लिकुल्लि अब्दिन, हर उस बंदे के लिए जो मुनीब, रुजू करने वाला है, अल्लाह की तरफ झुकने वाला है, मुतवज्जे होने वाला है, उसके लिए इस सब कुछ में निशानियां हैं। यहाँ तक अल्लाह ताला ने तमहीदन बातें की, तमहीदन नसीहत की, और अल्लाह ताला अपने अपनी कुदरत को बताया। वो अल्लाह तारीफ़ों वाला है जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, आखरत में भी उसी के लिए तारीफ़ें होगी। वो अल्लाह जानता है ज़मीन व आसमान के अंदर क्या कुछ है। उस रब की कसम जो आलिमुल ग़ैब है, जो ज़र्रे ज़र्रे को जानता है, वो ज़रूर वो क़यामत जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगी, ताकि नेक लोगों को उनके नेकी का बदला दिया जाए और बुरे लोगों को उनके बुरे अमाल की सज़ा दी जाए। और ये जो अल्लाह ताला नाजिल फरमा रहा है, अहले इल्म जो तुम में से इल्म वाले हैं वो ईमान भी ला रहे हैं। ये नहीं है कि काफिर सिर्फ सारे इनकार कर रहे हैं, अहले इल्म हैं जो जानते हैं ये रब की तरफ से हक़ है। और ये अहले इल्म कौन है? ईमान लाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो लोग जो समझदार थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे ईमान ले आए। वो अहले किताब के लोग यहूद व नसारा में से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे और ईमान ले आए, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अहले किताब के बारे में फ़रमाया था, यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम, वो अल्लाह के नबी को इस तरह जानते हैं जैसे अपनी औलाद को जानते हैं। और काफिर ये कहते हैं कि ये दूसरों को आ कहते हैं, आओ 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 हम तुम्हें बताते हैं कि ऐसे शख्स के बारे में जो कहता है तो मट्टी होने के बाद दोबारा तुम्हें जो है वो ज़िंदा किया जाएगा, नई बात जाएगी, और कहते हैं ये अपनी तरफ से बातें कर रहा है या इसे जुनून है। फरमाया जो ईमान नहीं न ला रहे उस दिन पर, याद रख लो अजाब में और दूर की गुमराही में खुद पड़े हुए हैं। ये कायनात के अंदर, आसमान में, ज़मीन में कितनी निशानियाँ। कौन है अल्लाह? कौन है वो ज़ात जो सूरज को मशरिक से मगरिब की तरफ ला रही है? दिन और रात का निज़ाम चल रहा है, हर चीज़ अपने सही तरीके से चल रही है। वो कौन ज़ात है जो ये सब कुछ कर रही है? फरमाया हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में गर्क कर दें, ज़मीन में धंसा दें, या इनके ऊपर आसमान से टुकड़े बरसा दें, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अल्लाह, उस अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया है, वो अल्लाह ये हक़ दे रहा है, और उसी अल्लाह के लिए तारीफ़ें हैं। इन अल्फाज से सूरत का आगाज़ है। का मक्की सूरतों में कानून या अंदाज़ ऐसा है कि अल्लाह ताला नसीहतें करने के बाद कुछ अम्बिया के वाक़यात, पहली कौमों के वाक़यात को याद दिला के उन लोगों को इस्लाम की और ईमान की दावत देता है। आगे अल्लाह ताला अपने बहुत प्यारे एक नबी का तज़किरा करता है और फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अपनी तरफ से बड़ा फ़ज़ल अता फरमाया था। दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी होने के साथ साथ बादशाहत भी थे। वक़तल दाऊद जालूत, जालूत को कत्ल किया था। आतैनाहुल मुल्क, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाहत अता फरमाई थी। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसी खुसूसियात अता फरमाई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ चीज़ें दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हैं। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे अफजल सियाम रोज़ा रखना सौम दाऊदी है, जैसे कि एक दिन छोड़ते थे और एक दिन रोज़ा रखते थे। पूरी ज़िंदगी इस तरह करके जो है वो रब की इबादत में गुजारी। रात को उसके तीसरे हिस्से का क़याम करते थे, रात पहले आधी रात छोड़ देते, आधी रात सो लेते, फिर उसका तीसरा हिस्सा क़याम कर लेते, फिर उसका छठा हिस्सा आखिर में सो लेते। यानी सबसे अफजल क़याम पता है क्या है? रात का तहज्जुद का। ये इंसान आधी रात सो जाए, आधी रात के बाद रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसका तीसरा हिस्सा जो है वो इंसान रात को जाग ले। अब ज़रा गौर करें, अगर किसी चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो आधा हिस्सा तो सो गया, बाकी आधा बच गया। अब आधे में से पूरी चीज़ का जो तीसरा हिस्सा है वो निकाल दिया जाए तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो इतना बचेगा कि पूरी चीज़ का वो छठा हिस्सा बनता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़याम दाऊद की तारीफ़ फरमाई कि सबसे अफजल क़याम जो रात का है वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह है। कान यनामु निस्फ़ल लैल सुम्मा यक़ूमु सुलुसहु सुम्मा यनामु सुदुसहु, कि रात आधी रात सो लेते, फिर रात का तीसरा हिस्सा क़याम कर लेते और फिर आखिर में फजर से पहले रात का छठा हिस्सा जो है वो सो लेते थे। तो ये चीज़ अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। तो अल्लाह ताला के ये बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मर्तबा दिया, तो उनकी इबादत भी बहुत बड़ी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें किताब ज़बूर अता फ़रमाई और अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ ऐसी बनाई कि अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ ऐसी दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न सौत में, अच्छी आवाज़ में दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ के साथ मुशाहबत करते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत करते थे तो आसमान पे चलते हुए परिंदे जो है उनकी आवाज़ सुनने पे रुक जाते थे। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया था कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुन के पहाड़ों के अंदर भी एक जो है वो हलचल हो जाती थी, गोया कि वो भी उनकी आवाज़ के साथ जो है वो झूम रहे हैं। गोया कि अल्लाह ताला बताना चाहता है कि वो अल्लाह जिसने इस किताब को नाजिल किया है, जो किताब हक़ है, वो अल्लाह वही है जिसने दाऊद अलैहिस्सलाम को ये फ़ज़ल अता किया था। और फरमाया या जिबालु अव्विबी, और पहाड़ों को कहा अल्लाह ताला ने, ए पहाड़ों अव्विबी माहू, के उन्हें कहा गया ए पहाड़ों उसके साथ रग़बत के साथ। अव्वाब जिसे कहते हैं, अव्वाब मुनीब यानी ज़्यादा झुकने वाला, रुजू ये उसी से है, अव्विबी यानी रगबत के साथ तस्बीह करो, माहू दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, उनके साथ। वत्तैरा, और परिंदों को भी अल्लाह ने यही कहा, यानी या जिबालु वत्तैरू अव्विबी माहू, कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को भी और परिंदों को भी यही कहा कि उनकी आवाज़ के साथ रगबत के साथ तस्बीह करो। व अलन्ना लहुल हदीद, और दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हमने लोहे को नरम कर दिया था। जितनी भी चीज़ें सख्त हैं उन सख्त चीज़ों में से यानी एक लोहा है। वो अंज़लनल हदीद फ़ीही बअसन शदीद, अल्लाह ताला ने बकायदा एक सूरत कुरान मजीद में रखी है जिसका नाम हदीद है। और हदीद कहते हैं लोहे को, जिसे हम स्टील कहते हैं, ये लोहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ने इसमें सख्ती रखी है, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने इसको नरम कर दिया। यानी वो अपने हाथ से, जैसे हम मोमबत्ती होती है, जैसे मोम होती है, जैसे हम आटे को गूंद लेते हैं तो उसको मर्जी से जैसे मर्जी जो है वो घुमा लें, ढाल लें, सीधा कर लें, बग़ैर हथौड़े के, बग़ैर गर्म करने के हमने लोहा उनके हाथों में नरम कर दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये चीज़ें हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और हमने उन्हें ये कहा अन्निअमल साबिगात वक़द्दिर फ़ी सर्द वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना बसीर। अल्लाह ताला ने लोहे को नरम करके कहा कि अनिअमल साबिगात, यानी बनाओ साबिगात पूरी तरह जिस्म पे, चढ़ाने वाले लोहे के जो लिबास हैं जो जंग में पहने जाते हैं, ज़िरे, यहाँ पे दुरूअन साबिक़ात, जो गोया कि ये कहा जा रहा है कि अनअमल बनाइए साबिक़ात, यानी पूरी तरह जिस्म को ढांपने वाले लोहे के लिबास। वक़द्दिर फ़ी सर्द, अब जब लोहे का लिबास बनाना होता है तो ये हाथ जो चलाने हैं ना, गर्दन भी हिलानी है उसके अंदर, बाजू भी खोलना है, तो इन जगहों पे जोड़ जहाँ पे आने हैं तो वहाँ पे जो कड़े बनाए जाएंगे उनको सही अंदाजे से बनाना है। कहीं बाजू को मोड़ते हुए वो टूट ना जाए, बाजू को सिकोड़ते हुए वो लोहा जो है वो अड़ ना जाए। तो वह फरमाया वक़द्दिर फ़ी सर्द, उस जोड़ों के अंदर सही तरह अंदाज़ा लगाओ। वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करते रहो। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर सनअतकारी, बहुत सारी सनअत है जो कि स्टील से और लोहे से बनती है, तो लोहे से जो चीज़ें बनाई जाती थीं अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इबादत के अंदर एक नुमाया मर्तबा दिया। अल्लाह ने उनकी आवाज़, उनको ऐसी आवाज़ दी कि उसकी मिसाल दी जाती रही। अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत अता फरमाई, अल्लाह ने उनको नबूवत दे दी। पहाड़ और परिंदे उनके साथ, उनकी आवाज़ के साथ जो है वो बोलते हैं, और लोहे को भी उनके लिए नरम कर दिया। गोया कि अल्लाह ने एक दुनियावी और दीनी दोनों मर्तबे अता फरमाए, और साथ ये कहा वामलू सालिहा, और नेक आमाल करो। इन्नी बिमा तामलून बसीर, बेशक मैं जो कुछ तुम कर रहे हो उसको पूरी तरह खूब बसीर देखने वाला हूँ, यानी कोई चीज़ मुझसे पोशीदा नहीं है। अब अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इतना कुछ अता फरमाया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम से बादशाहत आगे बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को आती है। और फिर अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक इजाफी, इस पे और बड़ी चीज़ अता फरमाई, और क्या था वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहरुन, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को, अर्रीह हवा को मुसखर किया। इस तरह गुदुव्वुहा शहरुन के एक महीने की मुसाफत वह अपने सुबह में तय कर लेती थी। हवा एक महीने की मुसाफत, यानी अगर घोड़े को दौड़ाया जाए और वो एक महीना घोड़ा मुसलसल दौड़ता रहे, तो जितना सफ़र वो एक महीने में करेगा उस हवा के ज़रिए वो एक सुबह में उतना सफ़र कर लेते थे। व रवाहुहा शहर, और शाम में वो हवा इतना सफ़र कर लेती थी जितना एक महीना, और गोया कि एक महीना घोड़ा दौड़ता रहे जाने के लिए और एक महीना घोड़ा दौड़ता रहे आने के लिए, तो इतना सफ़र वो एक दिन में सुबह और शाम में हवा के ज़रिए तय कर लेते थे। वली सुलेमान अर्रीहा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को हमने मुसखर किया कि जिसका जो है वो सुबह उस हवा की एक महीने के बराबर थी, और रवाहुहा, और उसकी शाम एक महीने के बराबर थी। व असलना लहु ऐन अलक़ित्र, व असलना लहू, असलना का माना ये है कि हमने उनके लिए बहा दिया, चला दिया। ऐन अलक़ित्र तांबे का चश्मा, एक तांबा है जो कि लोहे की तरह, स्टील की तरह की एक दूसरी धात है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया कि जैसे चाहें उसको जो बना सकते हैं, और अल्लाह ताला ने उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। क्या उसका मतलब ये है कि ज़मीन से जो कोई उबलता हुआ चश्मा था जिससे पानी की तरह तांबा निकलता था और जैसे उसको बनाना चाहते हैं वो बना लेते थे, या कोई और तरीका था? वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ने इसमें कोई तफसील नहीं बताई है। हो सकता है ज़मीन से वो तांबा एक चश्मे की तरह निकलता हो और उससे आगे जो है उसको जिस शेप में ढालना हो उसको ढाल लिया करते थे। गोया कि अल्लाह ताला ने दुनिया की मसनूआत भी उन्हें सिखा दी। दुनिया के अंदर लोग जो है वो स्टील और लोहे को ढालने के लिए, मुख्तलिफ शेप बनाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कितने बड़े बड़े टेम्परेचर जो है उसका इंतजाम करते हैं, तब जाके लोहे और तांबे को पिघलाया जाता है, तब जाके उसको मुख्तलिफ शेप में ढाला जाता है। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तांबा अता फरमाया, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे हवा और परिंदे उनके साथ जो है वो इबादत करते थे, तस्बीह पढ़ते थे। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाया व मिनल जिन्नि मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिही, और अल्लाह ताला ने जिन्नों को बना दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे मन यअमलु बैन यदैहि, जो उनके सामने काम करते थे बिइज़्नि रब्बिही, अपने रब के हुक्म से। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो बादशाहत अता फरमाई थी वो जो है वो ज़मीन के जानवरों पे, और वो हुकूमत अल्लाह ताला ने उन्हें परिंदों पे, वो हुदहुद का वाक़या गुजरा है सूरत नमल में, और अल्लाह ताला ने उनको जिन्नों पर भी कंट्रोल दिया था। फरमाया वमन यज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना, और फरमाया उनमें से अगर कोई हमारे हुक्म के से फिरेगा तो नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। वमन युज़िग़ मिनहुम अन अम्रिना, और उनमें से ने हमारे हुक्म से जो है वो फिरेगा तो हम उसे दहकती हुई जहन्नम के आग में जो है वो डालेंगे। यामलून लहु मा यशा, वो जिन काम करते थे उनके लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मा यशाउ, जो चाहते थे उनके लिए बनाते थे। मिन महारीब, मेहराब और कमरे, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े घर तामीर करते थे जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। व तमासील, और मूर्तियां बनाते थे उनके लिए, बड़े बड़े मूर्तियां जो वो बनाना चाहते। व जिफानिन, और बड़े बड़े टप जो है वो उनके लिए, बड़ी बड़ी देगें जो है उनके लिए जो है वो तैयार की जाती थी, बड़े बड़े हौज की तरह उनके लिए देगें बनाई जा रही थी। वक़दूर रासियात, और इसी तरह जो देगें थी यानी जो चूल्हों पे चढ़ी हुई जमी हुई देगें भी उनके लिए बनाई जाती थी। अमलो आल दाऊद शुक्रा, अल्लाह ताला ने फरमाया ए आल दाऊद, ए दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद, शुक्र अदा करो। वक़लीलुम मिन इबादिय शुकूर, लेकिन बहुत कम है मेरे बंदों से जो शुक्रगुजार होते हैं, बहुत कम है। यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो जिन लगाए थे वो जो चाहते जिस काम पे लगा दिया वो काम करते रहते थे, और उनके लिए महारीब, बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े किले बनाते थे। और तमासील तिमसाल की जमा है, जिसका माना यही है, तिमसाल कहते हैं अरबी में मूर्ति को, जैसे हम बुत कहते हैं। अब क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा बनाया जाता था? वल्लाहु आलम। कुरान मजीद के ज़ाहिरन ये है कि ऐसा जो है वो तिमसाल यानी हो सकता है, इससे मुराद ये नहीं है कि इंसानों की मूर्तियां बनाते हों, हो सकता है किसी और चीज़, गैर जानदार चीज़ों की, पत्थरों के बड़े बड़े या इस तरह के चीज़, दरख्तों के, इस तरह के औरों के निशानात बनाते हों। पत्थरों को तोड़ तोड़ के उनका दरख्त बना दिया, पत्थर का दरख्त जो है वो यूँ बना हुआ है, वल्लाहु आलम। लेकिन अगर किसी जानदार की भी मूर्ति बनाते हों तो कानून ये है, उसूल ये है, शरअ मन क़ब्लना मा लम युनसख, पहली शरीयतें हमारे लिए भी शरीयत है, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि वो सही सनद से हम तक पहुंच जाए, और दूसरा यह है कि हमारी शरीयत ने मंसूख ना किया हो। अब कुरान बता रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन जो है वो तमासील बनाते थे, लेकिन शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को मंसूख कर दिया। तो शरीयत मुहम्मदी में किसी तरह का बुत बनाना, किसी भी जानदार का, किसी भी चीज़ से, लकड़ी से, पत्थर से, मट्टी से, चिप्स से, किसी से भी बनाया जाए तो इसको हराम कहा गया है, और ये नाजायज़ है। इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त मौजूद नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान किसी शक्ल को किसी कपड़े पे या कागज़ के बनाता है तो क्या वो भी इसमें आता है या इस पे नहीं आता है, इसमें जो है वो इख्तिलाफात मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़े हदीस है लअनल्लाहुल मुसव्विर वल मुसव्विर लहू, अल्लाह की लानत है तस्वीर बनाने वाले पे और तस्वीर बनवाने वाले पे। और उसमें आगे वजह और तशबीह दी गई है, इल्लत बताई गई है, युज़ाहून खल्क़ अल्लाह, कि वो शक्ल बना के तस्वीर बना के अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की तरह अपनी कोई मखलूक बना रहे हैं, अल्लाह ताला के मुकाबिल में एक दूसरी मखलूक बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी इंसान बनाया और वो भी अपने हाथ से निशान बना रहे हैं, तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। इस तरह करके बनाना कि एक किसी भी कपड़े पे, किसी भी पत्थर पे, किसी भी कागज़ पे, तो ये इस्लाम में जायज़ नहीं। आगे रहा कि क्या ये जो डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी है, क्या ये उसमें आता है या नहीं आता है, इसमें उलमा के दोनों तरफ राय मौजूद हैं। कुछ जायज़ की तरफ हैं, कुछ नाजायज़ की तरफ हैं, लेकिन जायज़ की तरफ भी हैं तो वहाँ पर तहदीद है कि ज़रूरत के पेश नज़र जायज़ है, इसलिए कि गैर ज़रूरी चीज़ तो वैसे ही मना होती है। ज़रूरत में एक है मजबूरी, आईडी कार्ड पे तस्वीर बनाना मजबूरी है, क्योंकि पासपोर्ट बनाकर आप हज उम्रे पे जा सकते हैं और उसकी शनाख्त के लिए आपकी तस्वीर बनेगी, वो मजबूरी है, वो ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए, आपको कोई कपड़े की शक्ल देनी है, कोई और ज़रूरत के लिए, कोई तालीम व ताल्लुम के लिए, कोई सिखाने के लिए, किसी भी फ़ायदे के लिए, इसको जायज़ दिया गया है बग़ैर किसी ज़रूरत के। शादी ब्याह और ख़ास तौर पे गैर महरम की तस्वीरें बनाकर, औरतों की तस्वीरें बनाकर मर्दों के सामने पेश करना, ये इन तमाम चीज़ों को हराम कहा जाता है, जो बग़ैर किसी ज़रूरत के चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। हाँ, अगर उसका कोई फ़ायदा है किसी जगह में तालीम और ताल्लुम में, तो इसको डिजिटल ग्राफिक में इसकी इजाज़त उलमा देते हैं, लेकिन जो बाकायदा हाथ से बनाई जाए। एक बात समझ लीजिए, एक छोटी सी बात, अगर आपको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया जाए, आप उसकी फ़ोटो कापी कर लें तो जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप उस डिग्री का एक और नकल करके उस तरह की डिग्री और बनाएं तो वो जुर्म समझा जाएगा। लेकिन अगर उस बनी हुई डिग्री की कॉपी कर रहे हैं और उसको कागज़ पे उतारें तो इसको जुर्म नहीं समझा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर के हुर्मत की जो इल्लत या सबब बनाया है अहादीस में, युज़ाहून खल्क़ अल्लाह, कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के मुकाबल में मखलूक बना रहे हैं, जो बुतों की शक्ल में, मूर्तियों की सूरत में, मुजस्मों की सूरत में बनाई जाए तो बिल्कुल मुकाबला हो रहा है। क़यामत वाले दिन कहा जाएगा इसमें फूंको, अगर वो उस मूर्ति में रू नहीं डाल सकता तो ये इसका उसे अजाब दिया जाएगा। लेकिन जो ये डिजिटल तस्वीर या डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी में आया जाता है, ये अगरचे अभी हमारा मौजू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तिमसाल से बात को वजाहत कर रहा हूँ कि ये इसमें दोनों राय मौजूद हैं, दोनों तरफ के दलाइल मौजूद हैं, और दोनों तरफ में एक तरफ इजाज़त भी दी गई है, लेकिन इजाज़त के साथ मशरूत किया गया है ज़रूरत को, कि ज़रूरत के लिए बनाया जा सकता है, बग़ैर ज़रूरत के बनाकर तस्वीरें जो है वो बिला वजह रखते जाना और घरों में लटकाना तस्वीर को, जानदार की तस्वीर को, ये जायज़ नहीं होता है घरों के अंदर बनाया जाना। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो बताया है कि उनके लिए जिन्नात तमासील बनाते थे, जो तिमसाल की जमा है, जो मूर्तियां हैं, क्या शक्ल सूरत थी अल्लाह आलम, लेकिन अगर जानदार की भी हों उस शरीयत में, तो हमारी शरीयत में इजाज़त नहीं है। इसलिए इस आयत को बुनियाद बना के जो बुतों को और अपने घरों के सामने शेरों की और बिल्लियों की और फलानी की तस्वीरें जो है वो लगा देते हैं, उन्हें इस चीज़ से डरना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हुए फरमाया, फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत अता फरमाई, मौत देने का और हमने उन पर फैसला किया, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दी ताकुलु मिन साअता। फरमाया उन जिन्नों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का पता नहीं चला था। मा दल्लहुम, नहीं बताया उनको उनकी मौत के बारे में, इल्ला दाब्बतुल अर्द, मगर ज़मीन के उस कीड़े ने, ताकुलु मिन साअता, जो उनकी लाठी से खा रहा था। फलम्मा खर्रा, जब वो गिरे उस लाठी से, तबय्यनतिल जिन्नु, जिन्नों को पता चल गया ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए हैं। अल्लौ कानू यअलमून अलगैब, अगर जिन गैब को जानते होते, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, अगर वो जानते होते, यानी कुछ थोड़ा सा गैब का इल्म जिन्नों को होता, तो फरमाया माँ लबिसू, ना वो होते उस जिल्लत वाले अजाब में, माँ लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, और जिल्लत वाले अजाब में मुब्तला ना होते। यानी कुछ लोग कहते हैं जिन्नात भी गैब का इल्म रखते हैं, या सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया ऐसा कुछ नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में फ़लस्तीन में अल्लाह का घर मस्जिद अक्सा बनाया जा रहा था, जिसको लोग आजकल अहले किताब हैकल सुलेमानी कहते हैं। वो जो हैकल सुलेमानी है वो बनाया जा रहा था, जो कि मस्जिद है असल में। तो जिन उसको दिन रात लगे हुए थे तामीर करने पे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी के लिए अपनी लाठी पे खड़े हुए थे। अल्लाह ने वहीं उन्हें मौत दे दी, और वह लाठी पे खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। जिन्नात लगे हुए, लगे हुए। इधर से जब वो कंप्लीट कर बैठे तो उस लाठी को दीमक लग गई थी। वो कीड़ा जो लकड़ी को खा लेता है, वो लकड़ी को दीमक लगी। जब लकड़ी कमज़ोर हुई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पे जो है वो गिर पड़े। तब जिन्नों को पता चला कि ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए हुए। अगर जिन्नों को इल्म गैब होता तो इतना जो मुशक्क़त वाला काम करते रहे, क्यों करते रहे? नतीजा क्या है कि अल्लाह ताला ने इल्म गैब किसी को अता नहीं फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और अपनी किताब की तरफ दावत देते हुए एक इशारतन फरमा दिया कि वो अल्लाह जिसने इस किताब को नाज़िल फरमाया है, वो अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ही इतना कुछ अता फरमाया था। लिहाजा उस अल्लाह को माना जाए और उसकी नाजिल करदा किताब को माना जाए। अल्लाह यहाँ पे अपनी कुदरत की चीज़ें जो है वह बयान कर रहा है। आयत 15 से इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा क्लास में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे और इन्हीं आयत पे इक्तिफा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की, और अल्लाह ताला हमें अल्लाह की कुदरत को जानने की, और अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज हम यहीं पे इक्तिफा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद की आयत हम आइंदा क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।